हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल पर। आज 24 अप्रैल और 24 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स जो है ये सभी जितनी भी सरकारी एग्जाम्स होती हैं उन सभी एग्जाम्स में जो है करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मान के चलिए आपके 4 या 5 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब के साथ जुड़ करके आप अपने करंट अफेयर्स की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो खत्म होने के बाद इस पूरे वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिंक भी आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा, जहां पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम से भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको क्विज, नोट्स और बहुत सारे वीडियोज़ जो है वो स्टडी के लिए मिलेंगे, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक मिडनाइट इन चेर्नोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर ने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जो है वो जीता है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है ये आपसे यहाँ पर पूछा है, ठीक है। तो ये जो पुस्तक है ये लिखी है एडम हिगिनबॉटम ने, ठीक है। एडम हिगिनबॉटम के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। आप सभी लोगों को पता होगा कि एक घटना हुई थी जिस घटना का नाम था चेर्नोबिल डिजास्टर। तो चेर्नोबिल डिजास्टर के ऊपर ये पूरी बुक जो है लिखी है और इस बुक को लिखा है एडम हिगिनबॉटम ने, ठीक है। चलिए और इसमें थोड़ी डिटेल हम देखते हैं। पुस्तक ने यह जो पुरस्कार है सैन्य या खुफिया इतिहास पर लिखी अब तक की उत्कृष्ट पुस्तक के लिए जीता है, और यह पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष विलियम ई कोल्बी के नाम पर दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1999 यानी कि 1999 में हुई थी। इस पुरस्कार को जीतने वालों में एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिस उपन्यास का नाम था मैटरहॉर्न, ये लिखा था कार्ल मार्लेंटस ने, ठीक है। और एक और उपन्यास है द फॉरएवर वार जिसको लिखा था डेक्स्टर फिल्किंस ने, ये भी शामिल है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। जो चेर्नोबिल डिजास्टर के ऊपर जो पुस्तक लिखी गई थी जिस पुस्तक का नाम था द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर, यह विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जो इसने जीता है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है एडम हिगिनबॉटम। ओके चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य के पतनमतिट्टा जिले में तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग जो है शुरू की जाएगी। मैं आपको बता दूं तिरंगा पहल कोरोना 19 वायरस से लड़ने के लिए एक रैपिड स्क्रीनिंग के लिए जागरूकता के लिए एक वाहन है, ठीक है। इस वाहन के ऊपर सेंसर, बहुत सारे टेस्टिंग किट, स्टाफ मौजूद रहेगा और ये वहाँ के जितने भी कोरोना संदिग्ध पेशेंट है उनकी रैपिड स्क्रीनिंग करेगा, ठीक है। तो ये पतनमतिट्टा जिला पड़ता है केरल में, ठीक है। हालांकि इसमें आपको ऑप्शन नहीं दे रखा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, केरल में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। कहाँ पे स्टार्ट किया गया, केरल। तो केरल का एक ज़िला है जिस ज़िले का नाम है पतनमतिट्टा, वहाँ पर तिरंगा पहल की जो है हाल ही में शुरुआत की गई है, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि तिरंगा पहल के तहत कोरोना वायरस की जो है टेस्टिंग किस राज्य में की जा रही है, तो ये राज्य है केरल। ओके इस अभियान से जुड़ी कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ कि केरल का जो ज़िला है जिसका नाम है पतनमतिट्टा, इस ज़िले के प्रशासन ने कोविड-19 लक्षणों की तेज़ी से जांच करने के लिए तिरंगा, इस तिरंगे का भी पूरा नाम है जिसको हम बोलते हैं टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान नामक एक वाहन जो है लॉन्च किया है। केरल के मुख्यमंत्री पनीर विजयन है और केरल के जो राज्यपाल है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ की जो राजधानी वो है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के अभियान के दौरान सरकारी स्कूल या जो अपना जो सरकारी अभियान है उसमें सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का तीसरा संस्करण जो है लॉन्च किया है, ठीक है। तो इस राज्य की सरकार ने जितने भी सरकारी विभाग है, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे उच्च शिक्षा विभाग हो, चाहे पंचायत स्तर के विभाग हो, सभी विभागों के अंदर जो है इस अभियान की जो शुरुआत की है, यानी कि जागरूकता का इन्होंने जो एक संदेश दिया है, ठीक है। क्योंकि यह संदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारे जल के जो स्रोत है वह सूखे ना, और जल के स्रोतों को हम कैसे बचाएं, इसके लिए एक अभियान की शुरुआत की है, ठीक है। और इस अभियान का नाम क्या है, इसका नाम है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, ठीक है। तो ये किस राज्य की सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये स्टार्ट किया गया है गुजरात की सरकार के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही है यहाँ पे। तो इस अभियान में क्या होगा थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। इस योजना के अंदर गाद, जिसे हम मिट्टी कहते हैं, वह बांध का निरीक्षण करना, नदियों की गाद हटाकर उसको गहरा करना, इन सभी कार्यों का आकलन किया जाएगा, ठीक है। और यह मानसून से पहले ही जल निकायों को गहरा करके जल संरक्षण करने की एक योजना है, काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। इससे निश्चित ही जो है वो बाढ़ वगैरह के प्रकोप भी कम होंगे और जल को भी सुरक्षित किया जा सकेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और यहाँ के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। इसके अलावा गुजरात में एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यारण्य जिसका नाम है गिर वन्य जीव अभ्यारण्य, और यह एशिया में सिंह
का एकमात्र निवास स्थान होने के कारण जाना जाता है। और मैं आपको और बता दूं कि जो सरदार सरोवर बांध है यह भी गुजरात में पड़ता है, लेकिन गुजरात में कहाँ, गुजरात का जो नौगाम है स्थान, वहाँ पर नर्मदा नदी पर ही है एक बांध बना हुआ है और ये गुरुत्वाकर्षण बांध है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो किस राज्य की सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत करी है, ये करिए गुजरात की सरकार ने, ओके। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने औषधि उपयोग के लिए भांग, जिसको हम कैनाबिस बोलते हैं, और भांग का बॉटनिकल नेम भी जो है एग्जाम में आता है, इसका बॉटनिकल नेम है कैनाबिस इंडिका। इंडिका इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये इंडिया में इसकी खोज हुई थी, इसलिए इसका हर बॉटनिकल नेम के पीछे उस देश का नाम लिखा हुआ होता है जहाँ पर इसका आविष्कार होता है। तो भांग की खेती इंडिया में हुई थी, इसका आविष्कार, इसलिए इसका बॉटनिकल नाम है कैनाबिस इंडिका। तो किस देश ने इसकी खेती को वैध यानी कि लीगल कर दिया है, ठीक है, यानी कि लाइसेंसेड कर दिया है, ये लेबनान, लेबनान एक देश है। तो इन्होंने हाल ही में औषधि उपयोग के लिए, मेडिसिन्स बनाने के लिए जो है भांग की खेती को है लीगल कर दिया है। लेबनान की बात आई है तो मैं बता दूं आपको, लेबनान के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है उनका नाम है हसन दीप, और लेबनान की राजधानी है बैरूत, और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है उसका नाम है लेबनानी पाउंड। लेबनान की संसद ने चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करने का कानून जो है वो हाल ही में पास किया है, और इस तरह लेबनान द्वारा भांग की खेती को वैध बनाने से सरकार के जो राजस्व है वो कृषि क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि होगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इंडिया की अगर हम अंदर बात करें तो इंडिया में एक तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, और एक आप देख लीजिए बिहार, और एक आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल, ठीक है। इन तीन राज्यों में जो है काफ़ी ज़्यादा भांग का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने मैटरहॉर्न पर्वत पर तिरंगा प्रदर्शित करके कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने में भारत का हौसला बढ़ाया है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पहल है ये, तो ये किस देश ने किया, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये स्विट्जरलैंड के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये जो आपको पर्वत के ऊपर एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर के ऊपर आपको इस पर्वत पर तिरंगा बना हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये स्विट्जरलैंड पर किया गया है, स्विट्जरलैंड का एक पर्वत है जिसका नाम है मैटरहॉर्न पर्वत, वहाँ पर भारत का जो है वो झंडा प्रदर्शित किया गया। क्यों किया गया मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व के अंदर जो है भारत की काफ़ी प्रशंसा हो रही है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी भारत ने कोरोना वायरस का कंट्रोल कैसे किया है, ठीक है। तो ये पूरे भारतवासियों के सहयोग से ही संपन्न हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन का हम बिल्कुल ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। तो भारत का जो मॉडल है कोरोना वायरस को रोकने के लिए, इसे पूरे विश्व में सराहा जा रहा है, और WHO ने भी जो है कोरोना रोकने के लिए भारत की तारीफ की है। तो स्विट्जरलैंड ने हाल ही में उसका जो पर्वत है मैटरहॉर्न पर्वत, उस पर तिरंगा प्रदर्शित करके भारत की प्रशंसा की है। स्विट्जरलैंड की बात आई है तो मैं बता दूं आपको, स्विट्जरलैंड की जो राजधानी वो है बर्न, और यहाँ पे जो निवासी रहते हैं उनको हम स्विस कहते हैं। यहाँ पर तीन भाषाएं चलती है, एक चलती है जर्मन, एक चलती है फ्रांसीसी, और एक चलती है इतलावी, ठीक है। और स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, वो है ज्यूरिख, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इस पर्वत के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, इस ये जो पर्वत है ये मैटरहॉर्न आल्प्स का एक पर्वत है जो कि स्विट्जरलैंड और इटली के बीच मुख्य जल क्षेत्र और सीमा से काफ़ी दूर है, और यह पेनिन एल्प्स के विस्तारित मोंटे रोजा क्षेत्र में एक बड़ी सममित पिरामिड नुमा जो है चट्टान है, यानी कि इसकी चोटी है, और इसका जो शिखर है वो है 4478 मीटर, अगर हम मीटर में बात करें, और अगर हम फुट में देखें तो ये 14690 फुट जो है ऊँचा है, जो इसे आल्प्स और यूरोप में सबसे ऊंचे शिखरों में से एक बनाता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने वाली एग्जाम में जरूर कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा, या तो इस पर्वत के बारे में पूछ लेंगे, या इसकी ऊंचाई लंबाई पूछ लेंगे, या कहाँ स्थित है पूछ लेंगे, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन, ठीक है, जिसको हम BRO भी बोलते हैं, दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में मात्र 27 दिनों में एक रिकॉर्ड के साथ पुल बनाया है, ठीक है। यह किस नदी पर बनाया गया है, यह आपको जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है ना, ये जो पुल, ये पुल, ये इस नदी पर बनाया गया है। तो इस पुल को मात्र इन्होंने 27 दिन में बना दिया, ठीक है, जबकि अरुणाचल प्रदेश ने इन्हें 2 महीने का समय दिया था, लेकिन रात दिन 24 घंटे सातों दिन यहाँ के इंजीनियर्स और वर्कर ने काम करके इस पुल को मात्र 27 दिनों में बना दिया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ठीक है। तो ये किस नदी पर बनाया गया था, जो नदी बह रही है, इस नदी का आपसे यहाँ पर नाम पूछा है, तो इस नदी का नाम है सुबनसिरी नदी, ठीक है। और सुबनसिरी नदी जो है, ये सुबनसिरी एक ज़िला है, उस ज़िले में ये बहती है। तो ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, तो काफ़ी आवागमन में और सैनिकों का जो सामान वगैरह पहुँचाने में काफ़ी दिक्कत जो है हो रही थी। तो बोट रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सुबनसिरी नदी पर जो है एक रिकॉर्ड 27 दिनों में मात्र एक पुल जो है बना दिया है, ठीक है।
अरुणाचल प्रदेश की बात आई है तो मैं बता दूं आपको, यहाँ के जो सीएम है यानी कि करंट टाइम के जो चीफ मिनिस्टर है वो है पेमा खांडू। ओके, और इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी कुछ और इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। सीमा सड़क संगठन जो होता है जिसको हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ये भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें सड़क मार्ग के निर्माण व्यवस्थापन का कार्य करता है, और सीमावर्ती क्षेत्रों में पहाड़ी इलाके होने से काफ़ी भूस्खलन भी होता है और चट्टानों के गिरते टूटते रहने से सड़कें जो है काफ़ी क्षतिग्रस्त होती है। तो इनको सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए संगठन को पूरे वर्ष जो है वो कार्य करना पड़ता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो संस्थापक है वो जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इसको शुरू किया था, और इसकी जो स्थापना है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की वो हुई थी 7 मई 1960 को, और इसको वर्तमान में जो इसका हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। ओके, तो क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश में सीमा सड़क संगठन के द्वारा एक रिकॉर्ड मात्र 27 दिन में एक पुल बनाया गया है। ओके, और ये सुबन श्री नदी पर बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं उड़ीसा के जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं वो नियुक्त किए गए हैं मोहम्मद रफीक को, इतना क्लियर है। इसके अलावा 3 और राज्यों के जो है न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। कौन कौन से राज्य हैं ये? एक तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, एक मेघालय के और एक उड़ीसा के। उड़ीसा के तो मैंने आपको बता दिया मोहम्मद रफीक, इन्हें उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इससे पहले कहाँ थे ये? इससे पहले मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा दीपंकर दत्त, ये इन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ये पहले कहाँ थे? पहले थे कोलकाता में। और इसके अलावा विश्वेशनाथ सोमदर, इन्हें मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ये पहले थे इलाहाबाद में। ठीक है, तो इन्हें जो है किसने नियुक्त किया है? जो भारत के जो 47वें मुख्य न्यायाधीश है जिसका नाम है जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखिएगा कि भारत के वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो है अरविंद बोबड़े, ये 47वें नंबर के हैं। ठीक है, थीके? और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 28 जनवरी 1950 को। तो तीनों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नाम आपको याद रखना है, और ये पहले कहाँ पदस्थ थे ये भी याद रखना है, और भारत के सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है 47वें? ये है अरविंद बोबड़े, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ना, यही है मोहम्मद रफीक, दीपांकर अंत और विश्वेशनाथ सोमदर। ठीक है, तो उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है मोहम्मद रफीक को। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस अनाज का उपयोग सैनिटाइजर बनाने के लिए एथेनॉल के रूप में जो है हाल ही में किया जाएगा? तो ये अनाज है चावल, चावल जिसका बोटनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा। तो मैं बता दूं आपको, केंद्र सरकार ने हाल ही में FCI जिसको हम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, इनको सैनिटाइजर बनाने के लिए एक द्रव की आवश्यकता होती है जिसको हम बोलते हैं एथेनॉल। एथेनॉल का एक केमिकल फार्मूला भी होता है जिसको हम बोलते हैं C2H5OH। ठीक है, अल्कोहल श्रेणी का ही है एथेनॉल। तो एथेनॉल का जो उपयोग हम सैनिटाइजर बनाने के लिए करते हैं, तो एथेनॉल बनता कैसे? जितने भी अनाज वगैरह उनसे बनता है। तो चावल का यूज़ करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में FCI को निर्देश दिया है कि आप इसका उपयोग जो है अल्कोहल बनाने में कर सकते हो, क्योंकि अभी आप सभी लोगों को पता होगा कि कोरोना वायरस की बीमारी चल रही है, तो उसमें सैनिटाइज़र जो है हाथ को सैनिटाइज करने के लिए यानी कि जीवाणु या बैक्टीरिया रहित करने के लिए, साफ़ करने के लिए सैनिटाइज़र का उपयोग करते हैं। तो इसकी खपत काफ़ी बढ़ रही है, तो केंद्र सरकार ने बोला है कि आप एथेनॉल बनाओ। तो अब सबसे बड़ी समस्या है कि एथेनॉल बनाएगा इसे। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि आप चावल का जो यूज़ है आप एथेनॉल बनाने के लिए कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसमें मैं आपको बता दूं कि जो इसमें एक मंत्रालय भी इन्वॉल्व है, उस मंत्रालय का नाम है खाद्य मंत्रालय। ठीक है, तो हमारे जो वर्तमान में उपभोक्ता मामले व खाद्य व जन वितरण मंत्री जो है वो है रामविलास पासवान। ठीक है, और इनका संसदीय क्षेत्र है बिहार हाजीपुर। अगला प्रश्न है हमारा, आई लीग समिति ने हीरो आई लीग 2019-20 का फुटबॉल क्लब का चैंपियन हाल ही में किसे घोषित कर दिया है? ठीक है, तो ये चैंपियनशिप जीत ली गई है मोहन बगान के द्वारा। हालांकि सारे मैचेस इसमें नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा स्कोर जो था मोहन बगान का ही था आई लीग में। तो हीरो आई लीग 2019-20 के लिए इन्हें जो है समिति ने विजेता घोषित कर दिया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो मोहन बगान है ये एक एथलेटिक क्लब है, कोलकाता में स्थित है ये, और ये भारत का एक सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1890 को हुई थी, और इसे भारत का राष्ट्रीय क्लब भी कहा जाता है। ठीक है,
और एशिया में सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। तो इन्होंने आई लीग प्रतियोगिता में 16 मैच में 39 अंक जो है वो हासिल किए थे, इसीलिए हीरो आई लीग 2019-20 प्रतियोगिता में इन्हें जो है वो फर्स्ट प्राइज दिया गया है। और जो बचे हुए 28 मैच थे उन्हें जो है समिति ने निरस्त कर दिया। ठीक है, इस लीग में जो सर्वाधिक गोल है पंजाब एफसी के एसर पियरिक दीपांडा, जिसको हम डीका के नाम से जानते हैं, उन्होंने सर्वाधिक गोल किए थे 13 गोल, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और मैं बता दूँ आपको कि जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है उन्होंने देशव्यापी लॉकडाउन के कारण इस लीग को पुनः नहीं शुरू करने की जो सिफारिश भी की थी। अगला प्रश्न हमारा, अप्रैल 2020 में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। हालांकि ये स्टैटिक जीके के हिसाब से ठीक है, गोवा में अभी कोई भी कोरोना वायरस का पेशेंट नहीं है, लेकिन भविष्य में इसके आने की संभावना बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो संक्रमण से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य है वो है गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आपसे दूसरा राज्य पूछ लें तो दूसरा राज्य है मणिपुर। मणिपुर जो है कोरोना संक्रमण को मुक्त करने वाला दूसरा राज्य बना, जबकि पहला बना है गोवा। ठीक है, गोवा के अंदर क्या क्या है ये भी थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। गोवा में एक महत्वपूर्ण बर्ड सेंचुरी जिसका नाम है सलीम अली बर्ड सेंचुरी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तो ये है गोवा में। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में। बर्ड सेंचुरी गोवा में है और राष्ट्रीय उद्यान जो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसके अलावा गोवा में नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य भी है, चोरा नेशनल पार्क भी है, भगवान महावीर नेशनल पार्क भी है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। ये थोड़ा सा डिटेल इसका भी और देख लेते हैं हम। 19 अप्रैल 2020 को गोवा के जो स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है विश्वजीत राणे, इन्होंने राज्य को कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की घोषणा कर दी है। और ये पहला राज्य गोवा, दूसरा राज्य मणिपुर। और गोवा के अंदर 7 मरीज थे कोरोना के जो लगभग अब पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत थे, राज्यपाल है सत्यपाल मलिक और यहाँ की राजधानी पणजी। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम लौटते हैं हमारे स्टडी जीके के ऊपर। तो स्टडी जीके का हमारा पहला क्वेश्चन है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को लिखा था M.K. गांधी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी ने। तो ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि आत्मकथा है, जिसमें इन्होंने अपने जीवन के जितने भी महत्वपूर्ण पहलू है उसका वर्णन किया है। ठीक है, महात्मा गांधी इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, जिसको हम 2 अक्टूबर को हम हर साल गांधी जयंती भी मनाते हैं। और इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 30 जनवरी 1948 को, और 30 जनवरी को जो है हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप भी अगर चाहें तो ये ऑनलाइन अवेलेबल भी है। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी, ठीक है, ये एक पठान सम्राट थे, इनका मकबरा कहाँ स्थित है। तो बिहार के अंदर एक जगह है जिसका नाम है सासाराम। तो सासाराम में जो है शेर शाह सूरी का मकबरा है, और ये भारत के बिहार राज्य में। ठीक है, वहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है सासाराम। और इस मकबरे को डिज़ाइन किसने किया था, इसको डिज़ाइन किया था मीर मोहम्मद अलीवास खान ने। मीर मोहम्मद अलीवास खान के द्वारा इस मकबरे को डिज़ाइन किया गया था। ये वास्तुकला का जो एक अद्भुत रूप है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो ये सासाराम में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो सबसे पहले भारत में जनगणना हुई थी 1872 को। लेकिन अगर आपसे इसी क्वेश्चन पूछ ले कि नियमित जनगणना कब हुई थी, तो भारत में नियमित जनगणना हुई थी सबसे पहले 1881 में। क्लियर है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है फ्रेंड्स नील नदी। ओके, और ये अफ्रीका में स्थित है। इसके अलावा नील नदी की जो लंबाई है वो 6,650 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम मील की हम बात करें तो ये 4,132 मील लंबी है, और ये अफ्रीका में स्थित है। तो ये अफ्रीका में कहाँ से निकलती है, अफ्रीका के अंदर एक सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील, वहाँ से निकलती है। वहाँ से निकल के ये सहारा डेजर्ट जो है उसमें होती हुई या उसको पार करती हुई जो है वो भूमध्य सागर में जा करके गिर जाती है। तो याद रखिएगा सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है नील नदी। अगला प्रश्न है हमारा, लास्ट का आज का इस वीडियो का, भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण जो है किस वर्ष शुरू हुआ था। तो सबसे पहले भारत में जो है रेडियो प्रसारण ये स्टार्ट हुआ था 1927 को। ठीक है, तो 2 केंद्र से स्टार्ट हुआ था एक्चुअली, एक तो होता मुंबई स्टेशन से और दूसरा हुआ था कोलकाता स्टेशन से। ठीक है, और इसको 1930 में भारतीय रेडियो का जो है वो राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया था। तो आपसे इसमें सिर्फ इतना ही पूछा है कि सबसे पहले रेडियो का जो है वो टेलीकास्ट कब स्टार्ट हुआ था, तो वो हुआ था 1927 को। तो फ्रेंड्स, ये थे
24 अप्रैल की करंट अफेयर्स की वीडियोस के कुछ क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे के साथ, 25 अप्रैल करंट अफेयर्स की वीडियो मैं आपके लिए कल अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।